VI चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाते रहें। हर इंसान की अपनी एक इन्वेस्टमेंट चॉइस है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई शेयर्स में, कोई FD में, तो कोई म्यूचुअल फंड में। इस चॉइस की वजह या तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होती है या फिर उसके किसी करीबी का एक्सपीरियंस। किसी ने सच कहा है, हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो चलिए आज एक नई हस्ती के पास चलते हैं और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हीं की जबानी लेने के बाद उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट चॉइस के बारे में जानते हैं। मेरा नाम इंदर है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मेरी फैमिली मेरी बीवी है जिसका खुद का एक छोटा शॉप है, और मेरी बेटी है जो अमेरिका में एक सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, और बेटा मेरा है जो फिल्म लाइन में है। डायरेक्ट शेयर्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और FD में से आपकी इम्पॉर्टेंट चॉइस क्या है और क्यों? वैसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन मेरे दो सबसे बेस्ट चॉइस है, एक रियल एस्टेट है और दूसरा म्यूचुअल फंड है। रियल एस्टेट इसलिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है आगे जाकर उसमें एक पैसिव इनकम आ सकती है, और म्यूचुअल फंड क्यों है कि उसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसे लिक्विड रहते हैं और अच्छी ग्रोथ के साथ में आ सकते हैं वो। आपने अपने पैसों का डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किया है? मैंने अपने पैसे डाइवर्सिफाई करके रखे हैं। मेजर पोर्शन मैंने अपने प्रॉपर्टीज डाले हैं जो आगे जाके मुझे रेगुलर सोर्स ऑफ रेंट से इनकम देगा मुझे, और बाकी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ जो मैं लिक्विड फंड है, जब चाहे तो मुझे पैसे निकाल भी सकता हूँ मैं उससे। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसके बाद आपने सेविंग्स करने की शुरुआत की? मैंने 40 साल की उम्र तक कभी सोचा नहीं था कि पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बट एक दिन हम किसी की शादी में गए थे तो वहाँ पर किसी ने मेरे को बेटी के लिए ऑफर किया शादी के लिए, तब मैं घर आके सोचने चालू किया कि शादी करवानी है तो पैसे लगेंगे, और पता चला कि मेरे बैंक में कुछ पैसे है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे लगा कि पैसे सेव करना चाहिए। उस दिन से मैंने अपना रेगुलर पैसा सेव करना चालू किया, जिसमें से मैंने बेटी की शादी भी करवाई मैंने। तो ये थी इन्वेस्टमेंट चॉइस हमारे आज के मेहमान की। दोस्तों, दूसरों का एक्सपीरियंस कभी कभी हमारी ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होता है। बहुत ही जल्द हम आपके सामने एक नया एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। हमारे हर नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का एक्सपीरियंस किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।